जहरी जिंदगी के जो असबाब हैं, जहरी जिंदगी में हमारे कपड़े हैं, हमारे बदन हैं, लेकिन हमारी रूहानी जिंदगी जो सिर्फ दिल ही जानता है। हुजूर ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल पलीत हो जाए फिर क्या करो, अगर तुम्हारे दिलों में मुनाफत आ जाए, तुम्हारे दिल गुनाहों से जंग आलूद हो जाए फिर क्या करो। मेरे आका ने फरमाया, तिलावत कुरान, रब के दिए हुए कुरान की तिलावत करो। कपड़ा ना पाक हो जाए तो पानी से साफ हो जाता है, अगर दिल ना पाक हो जाए फिर कुरान की तिलावत करेंगे तो हमारा दिल भी पाक हो जाए। कुरान की तिलावत अपना मामूल बनाओ, इस जिंदगी में भी कामयाबी मिलेगी, उस जिंदगी में भी कामयाबी मिलेगी कुरान की तिलावत, क्योंकि ये वो वही किताब है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल-नबा। देखो हमारी दैनिक जिंदगी के अंदर बेहतरी के मेयार कुछ और हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेहतरी के मेयार या तो दौलत है या शोहरत है, लेकिन अगर हम हुजूर से पूछें या रसूलल्लाह हमारी बेहतरी का मेयार क्या है, मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल-नबा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान खुद भी पढ़े दूसरों को भी पढ़े। कुरान पढ़ना पढ़ाना एक इंसान की बेहतरी का मेयार है, इंसान की बेहतरी का राज कुरान की तिलावत के अंदर है। और अब जो मेरे आका का फरमान आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इस फरमान को सुनकर अपने दिलों में बिठा लें, और फिर जब तक ये फरमान तुम्हारे सामने है भूलना ही है इसको, अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाए, अपने छोटे बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाएं। मेरे आका फरमाते हैं, मन करा कुरान व आमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौम अल-क़ियामा। हुज़ूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कुरान पढ़े और फिर कुरान पर अमल करे तो उसके वालिदैन को क़ियामत के दिन एक नूर का ताज पहनाया जाएगा। दौहु अहसनु मिन दौइ शम्सि फी बुयूति दुनिया, फरमाया उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। अगर वो ताज इस दुनिया के अंदर आ जाए, सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, उस ताज की रोशनी ज्यादा हो जाएगी। ये तो शान है कुरान पढ़ने वालों के वालिदैन की, जो कुरान पढ़ता है उसके वालिदैन को ये ताज पहनाया जाएगा, जो खुद कुरान पढ़ता है उसकी क्या शान होगी। तो कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। रमजान मुबारक में अगर आपने तसल्सुल किया है कुरान की तिलावत करने का, पूरा साल इसी तरह कुरान की तिलावत करें, थोड़ी तिलावत करें या ज्यादा करें, जितनी हो सके करें जरूर, रोजाना कुरान की तिलावत अपना मामूल बना लें। अगर आप कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, कुरान पढ़ने की कोशिश करें, अगर फिर भी नहीं पढ़ा जाता कम अज कम कुरान की तिलावत कर लिया करें। कुरान पढ़ सकते हो तो कुरान पढ़ा करो, नहीं पढ़ सकते कुरान की ज्यारत किया करो, रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान को चुप के सिरे से लगाया करो। हमारी जिंदगी की कामयाबी का राज कुरान के अंदर है, हमारी आखिरत की जिंदगी के संवरने का राज भी कुरान के अंदर है। तो कुरान को पढ़ना, कुरान की ज्यारत करना अपना मामूल बना ले, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत करता है, दुनिया में वो कुरान का कारी बन जाता है, जो गारो दिखारी इन कुरान के तरह बरतते कुरान के कारी को कहा जाएगा क्यामत के दिन, ये सीढ़ियां हैं, चढ़ता जा कुरान पढ़ता जा, जहां तेरा कुरान खत्म हो गया वही तेरा ठिकाना होगा, जहां तेरे कुरान की तिलावत खत्म होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। तो कुरान की तिलावत अपना मामूल, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। देखो सितारे लाखों अरबों खरबों की हमसे दूर खड़े हैं, लेकिन फिर भी चमकते हुए हम उनको देख लेते हैं। हमें जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है वो घर भी ऐसे चमकता है जिस तरह सितारे चमकते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर इंसान का दिल ज्यादा दूर हो जाए, इंसान के दिल में गुबार आ जाए, इंसान के दिल में मुराकत आ जाए, तो कुरान की तिलावत करके अपने दिलों को गुस्ल दे दिया करो, कुरान की तिलावत करके अपने दिलों को पाक कर लिया करो। कुरान की तिलावत खुद करोगे तुम्हारे दिलों को पाक उदा कर देगा। और दूसरी चीज जो हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिल जंग आलूद हो जाए तो मुझ मोहम्मद की जात पे दुरूद पढ़ा करो, फरमाया तुम दुरूद पढ़ोगे तुम्हारे दिल पाक हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, जो बंदा मेरी जात पर दुरूद पढ़ता है
अल्लाह उसके दिल को मुनाफिक से पाक कर देता है। जो हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ता है कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, मुनाफिक हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ ही नहीं सकता। तो हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ेंगे हमारे दिल पाक होंगे, हमारे दिलों से गुबार दूर होगा, हमारे दिलों का जंग खत्म होगा, हमारे दिलों की मुनाफिक खत्म होगी, और सबसे बड़ी बात हमें हुजूर का कुर्ब नसीब होगा। हुजूर की जात पे हम दुरूद पढ़ेंगे तो हमें हुजूर की बहियत, हुजूर का कुर्ब, हुजूर की तवज्जो हासिल होगी। क्योंकि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नास बी यौमल कियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन सबसे मेरे नजदीक वो शख्स होगा जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। तो हुजूर की जात पे कसरत से दुरूद पढ़ना अपना मामूल बना लें, कसरत से दुरूद पढ़ेंगे तो हमें हुजूर का क़ुर्ब नसीब होगा। अब हम अगर अपने असलाफ का जो तरीका कार था उसको अपने सामने रखें और फिर हम गौर करें कि दुरूद पाक के अंदर कितने फजाइल और बरकतें रखी हैं। दुरूद पाक के अंदर इंसान की जिंदगी की कामयाबी के कितने राज पोशीदा हैं। सुनिए जरा, हजरत मोहम्मद बिन सईद बिन तमर रहमतुल्लाह तआला अलैह अल कौल मदीन की सलात अल हबीबी शफी के अंदर इमाम सखावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये बात नकल की है। आप फरमाते हैं मोहम्मद बिन सईद बिन मुतारिक अपने बारे में खुद बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने अपना मामूल बना लिया, अपनी आदत बना ली कि रोजाना सोने से पहले एक मखसूस मकदार सोने महबूब अलैहिस्सलाम की जात की दुरूद पढ़ूंगा, मीठे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जात की दुरूद पढ़ूंगा। आप फरमाते हैं मैंने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, रातें गुजरते गई, दिन गुजरते गए, अचानक एक रात आई, कहते हैं जिस रात मेरा वक्त जाग गया। फरमाते मैंने नमाज इशा पढ़ने के बाद अपना दुरूद मुकम्मल किया, महबूब अलैहिस्सलाम की जात पे जो दुरूद पढ़ता था वो दुरूद मैंने मुकम्मल किया। जैसे ही मैंने दुरूद मुकम्मल किया मुझे नींद आ गई। कहते हैं इस रहाइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखला अलैहि मिन बाब अल-गुफा, मैं क्या देखता हूं कि मोहम्मद करीम मेरे कमरे के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर मेरे कमरे के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर आके थोड़ी देर खड़े हुए, फिर फरमाते सुम अल्लाह तन्ना भी, हुजूर मेरी तरफ बढ़े और फरमाया आती कमा कंदती युक्सिर सलात अलैहि मुकफ्फिर, मेरे प्यारे उम्मती जिस मुंह से तुम दुरूद पढ़ते थे ये मुंह आगे करो, मैं इसको छूना चाहता हूँ। हजरत मोहम्मद बिन सईद के मुतल्लक कहते हैं मुझे हया आ गई कि मैं कहा ताजदार मदीना का, मैं कहा ताजदार खत्म नबूवत का, मैं कहा अल्लाह ताला के महबूब का। कहते मुझे हया आ गई, फस्तदर वजही, फरमाते मैंने शर्म के मारे, हया के मारे, फरमाते मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। मैंने चेहरा घुमाया तो रिवायत के मुताबिक है मुकम्मल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदी, फरमाते हुजूर ने मेरे रुखसार पे बोसा ले लिया। मैंने अपना मुंह तो घुमा लिया, हुजूर ने रुखसार पे बोसा ले लिया। फरमाते फत तबा तो फस क्या मिन फौरी, मैं अचानक घबरा गया, मैं नींद से बेदार हुआ। फन तबा जौज जिंदगी ने जंगी, फरमाते मेरे करीब ही मेरी बीवी सोई हुई थी वो भी उठ खड़ी हुई। फैजल मैं तो यकूब मिस्कम मिन रानियती, क्या देखती हूँ क्या देखता हूँ पूरा घर हुजूर की वजह से ऐसे है जैसे कसूरी की खुशबू से महक रहा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे उस्ताद के बोसा लेके गए तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी, पूरे घर में कसूरी की खुशबू आ रही थी। इसलिए हम कहते हैं मीठे वक्त को कुरान में खोल सारे सोनिया तेरी शान क्या नहीं क्यों दिखा, तेरी शान तक करे मुकाबला जेड़ा उन आशिका असली चोर दिखा, कोई नूर आके कोई बशर आके पैदा रात की नहीं इहो छोड़ दिखा, अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी सौ बिठा सौ दे। महबूब अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन सईद बिन मुतर्रक के रुसात से बोसा ले जाते तो फरमाते मेरा पूरा घर खुशबू से महक रहा। फिर फरमाते हैं वो जो हुजूर ने बोसा लिया और मेरे मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, पूरे आठ दिन मेरे मुंह से वो खुशबू आती रही। रोजाना कहती मेरी बीवी को खुशबू देख सुनती थी मुझे बताती थी यार आज भी खुशबू आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बोसा दिया था वो तेरे मुंह से आज भी खुशबू आ रही। आज दिन तक मोहम्मद बिन सईद बिन मुतर्रक की मुंह से कस्तूरी की खुशबू बहती रही। ये सारी बरकत और सारा नतीजा मिला क्यों? महबूब अलैहिस्सलाम की जात पे दुरूद पढ़ने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पे कसरत से दुरूद पढ़ने के लिए नतीजा मिला। और इसी तरह एक किताब है रौनकुल मजालिस, उस किताब के अंदर
देखा गया है कि खुरासान का जो मुल्क है अफगानिस्तान खुरासान, इसके अंदर एक शहर है बल्ख नाम के नाम से, बल्ख शहर का नाम है। तो उस शहर के अंदर एक ताजर रहता था, बहुत नेक शख्स था, बहुत ज्यादा माल था उस बंदे के पास। जब वो फौत हुआ तो उसकी जायदाद, उसके दो बेटे थे, उन्होंने आपस में आधी आधी तकसीम कर दी। और वो ऐसा खुश नसीब ताजर था जो उसकी विरासत में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन बार मुबारक हो चुके, तीन बार उसकी विरासत में थे, माल के साथ रसूल अकरम के बाद भी थे। और कैसे बात, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग के अंदर उसकी टोपी गिर गई, तो उन्होंने काफिरों से ज्यादा लड़ाई शुरू कर दी। इधर बंदे मार मार के फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, अलग उन्होंने अपनी टोपी ढूंढ ली। एक टोपी ढूंढने की खातिर उन्होंने कितने बंदों को कत्ल कर दिया। सहाबा ने अर्ज की, ऐ खालिद बिन वलीद, तेरी एक टोपी गिरी तो तूने कितने बंदों को मार डाला टोपी की खातिर? फरमाया, मैंने टोपी की खातिर नहीं मारा, ये देखो मैंने अपनी टोपी में अपने महबूब के बाल सिए हुए हैं। बस मैं तो हुजूर के बालों को तलाश करने के लिए इतना जुस्तजू करने लगा, हुजूर के बाल मिले। और फरमाया, जिस जंग के अंदर भी मैं ये नबी अलैहिस्सलाम के बालों वाली टोपी पहन के गया, मुझे पता मिले जिस जंग के अंदर ये मैं जीत के आया। तो उस ताजर के पास बल्ख शहर का जो ताजर था, उसकी विरासत में भी महबूब अलैहिस्सलाम के तीन बाल थे। अब दो बेटे थे, उन्होंने एक एक बाल बांट दिया, एक बाल उसके पास आ गया, बड़े भाई के पास, एक छोटे भाई के पास। अब बाकी कितने बाल बच गए? एक बाल बच गया। अब इसका क्या किया जाए? तो बड़े ने कहा, नजअलु किस्मैन, ऐ छोटे भाई, हम इसके दो हिस्से करते हैं, एक हिस्सा तुम्हारा एक मेरा। छोटा महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला था, कहने लगा, नहीं हुजूर का बाल मैं सौ टुकड़े नहीं होने दूंगा। बाल हो महबूब अलैहिस्सलाम का, बाल हो ताजदारे मदीना का, मैं उसके टुकड़े का हूँ, मेरी मोहब्बत की गवारा नहीं करती। बड़े भाई ने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, सारी जायदाद मुझे दे दो, ये तीन के तीन बाल तुम रख दो। उसने कहा, मुझे कबूल है, सारी दौलत तुम दे जाओ, बस महबूब अलैहिस्सलाम के तीन बाल मुझे दे दो। अब उस छोटे भाई ने तीन बाल लिए, वजह तो बोलो की जय की ही, वो तीनों बाल उसने अपनी जेब में दाखिल कर दिए। फिर रोजाना उसने अपने आदत बना ली, रोजाना महबूब अलैहिस्सलाम के दो बाल निकालता, उनकी ज़ियारत भी करता, हुजूर की ज़ात पे दुरूद भी पढ़ता। उसकी आदत बन गई महबूब अलैहिस्सलाम के बालों की ज़ियारत करना, हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ना, उसने अपनी आदत बना ली। रिवायत के अल्फाज हैं, कुछ दिन भी गुजरे थे कि बड़े भाई का माल जिसके पास बहुत सारी दौलत थी सब फना हो गया, मकासुरा माल सगीर, और जो हुजूर की ज़ात के बालों की ज़ियारत करता रहा, हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ता रहा, उसका माल बढ़ गया। और फिर जब वो बंदा फौत हुआ, तो छोटा भाई जिसके पास महबूब के तीन बाल थे, जब वो फौत हुआ तो उसके जमाने के किसी शख्स ने उसको ख्वाब में देखा, मरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी देखा कि ताजदारे मदीना उसको अपने पास बिठाए हुए, एक तरफ वो शख्स बैठा है, एक तरफ महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हैं। अब वो कहते हैं, मेरे आका ने मुझे फरमाया, ऐ शख्स कुल लिन्नास इन काना इलल्लाहि हाजतन फलयाति कब्रा फलाह हाजा, जाओ लोगों में ऐलान कर दो, अगर किसी शख्स को अल्लाह की तरफ कोई हाजत हो, अगर किसी शख्स को अल्लाह की बारगाह की तरफ कोई जरूरत हो, वो इस शख्स की कब्र पर आकर दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को पूरा कर देगा, अल्लाह उसकी जरूरतों को पूरा कर देगा। और फिर रिवायत के अल्फाज हैं, जब उस बंदे की तदफीन हो गई, दफन कर दिया गया, रास्ते जिस रास्ते के अंदर वो कब्र थी, जो बंदा भी सवार होकर आता, देखता कि आगे उसकी कब्र है, उतर कर पैदल चलता, उसकी कब्र का इतना इंतजाम किया जाने लगा, जिसको जरूरत होती वो दुआ करता, दुआ पूरी होती, जिसको जरूरत ना होती वो इंतजाम करता। क्यों? यहाँ महबूब अलैहिस्सलाम का आशिक सोया हुआ है, हुजूर का गुलाम सोया हुआ है, तो महबूब अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पढ़ने की बेशुमार बरकतें, बेशुमार फजाइल हैं। अब आपसे भी मैं यही अपील करूंगा, रोजाना की बुनियाद पर एक मखसूस मिकदार तय कर लें, मखसूस मिकदार मुकर्रर कर लें, हम इतनी मिकदार जब तक महबूब से दुरूद नहीं पढ़ेंगे सोएंगे, रात को नमाज़े इशा पढ़ने के बाद हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने की बरकतें। अब जरा और सुना, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है बला, जलीलुल कद्र ताबी है, और जलीलुल कद्र ताबी होने के साथ साथ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रज़ाई बेटे हैं। आपकी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा
आपने दूध मुबारक दिया है हजरत हसन बसरी ने, उनकी बात में एक औरत आई उनके इलाके की और अर्ज करने लगी, आयशा मेरी बेटी थी, इकलौती बेटी, एक ही बेटी थी, वो मौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको देखूँ, मेरे ख्वाब से वो आए और मैं देखूँ कि वो किस हाल में है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं बात करना, कोई मुझे वजीफा बताए, कोई दुआ बताए, मैं तो दुआ करके आपकी बेटी को देखना चाहती हूँ। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, ठीक है जाओ, नमाज इशा पढ़ने के बाद दो रकात नमाज नफिल और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक दफा सूरह तकासुर पढ़नी है, अल्लाहुम्मा तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, आखिर तक दो रकातें पढ़नी है और फिर दो रकातें पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर लेट जाना और हुज़ूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ती पढ़ती सो जाना, अल्लाह ताला तुझे दिखा देगा कि तेरी बेटी किस हाल में है। अब वो औरत चली गई, रात को उसने ये अमल किया, उसने अपनी बेटी को देखा, क्या देखती है कि वो अजाब में मुब्तला है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और जहन्नम की जंजीरों में उसको जकड़ा हुआ है। वो औरत परेशान हैरान होकर खड़ी हुई और भागी हुई गई हजरत हसन बसरी की बारगाह में, आज कहने लगी, हजरत आपने मुझे जो वजीफा बताया, जो आपने तरीका बताया, मैंने उस तरीके पर अमल किया, अल्लाह ने मुझे मेरी बेटी दिखा दी, लेकिन वो तो तकलीफ में है, मैं तो उसकी ये हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरत हसन बसरी फरमाने लगे, ठीक है जाओ उसकी तरफ से सदका करो, शायद अल्लाह उसको माफ कर दे। अब तो रात गुजरी, दिन गुजरा, दूसरी रात जब आई, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जब मुझे नींद आई, मैं खुद को क्या देखता हूँ कि मैं जन्नत में पहुंचा हुआ हूँ और मैंने देखा कि सामने एक तख्त बिछा हुआ है जिस पर एक हसीनो जमील लड़की बैठी है, हसीनो जमील वो औरत बैठी है। तो उस लड़की ने मुझे कहा, अतारिफुनी, ऐ हजरत हसन बसरी, का तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन? हजरत हसन बसरी फरमाने लगे, नहीं मैं तो नहीं पहचानता। उसने कहा, हजरत मैं उसी की बेटी हूँ जिसकी वालदा चल कर आपके पास आई थी। हजरत हसन बसरी हैरान, तेरी माँ तो मुझे तेरी हालत के बरअक्स बता कर गई, वो तो बता कर गई कि वो अजाब और तकलीफ में है, लेकिन तुम तो यहाँ जन्नत की बाहरें रो रही हो, मजा क्या है? वो लड़की कहने लगी, हजरत हसन बसरी बात हुई है, बात हुई सच है जो मेरी माँ तुम्हें बता कर गई, आपने फरमाया कि तुझे ये दर्जा ये मरतबा कैसे मिला? फरमाने लगी, मैं सिर्फ मैं नहीं, मुझ जैसे 70,000 ऐसे थे जो रब के अजाब में मुब्तला थे। فآمر رجل من الصالحين على قبورنا فصلى على النبي مرة فبلغ ثوابه لنا، فرمانے لگی ہماری قبروں سے ایک نیک شخص گزرا، اس نے ایک مرتبہ محمد کریم کی ذات پر درود پڑھا، ایک مرتبہ محمد کریم کی ذات پر درود پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اس نے ہمیں بھیج دیا اور 70,000 لوگوں میں تقسیم ہوا تو رب نے سب کی بخشش کر، اس ایک مرتبہ درود کا جو ثواب تھا میرے حصے میں جو آیا आपके सामने है कि आप देख रहे हैं। तो हुजूर की जात पे दुरूद जितना हम पढ़ेंगे हमें हुजूर का कर्म नसीब होगा। हत्ता के मेरे आका हजरत सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आओगे कौन से ऐसे शख्स आएंगे, मैं उनको पहचानता नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे उनके नाम याद होंगे क्योंकि उनके नाम से मुझ पर दुरूद भेजा जाता था, क्योंकि उसी नाम से वो मुझ पर दुरूद भेजा जाता था कि ये बंदा आप पर दुरूद पढ़ता था, तो मुझे उनके नाम भी याद हो जाएंगे, हमारे दिलों से जंग भी दूर हो जाएगा, हमारे दिलों से मुनाफत भी दूर हो जाएगी, हमारे दिलों से मैल भी दूर हो जाएगा, गुनाहों का जो बोझ होता है हमारे दिलों से वो भी खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि हम कुरान की तिलावत करते रहे और महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात से दूर करते रहे। और आखिर में आपको एक हदीस जिस पर आप कोशिश करना अपनी जिंदगी के अंदर कभी न छोड़ना, क्या आप वादा करते हैं? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। मेरे आका ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसी नंबर रहता, मेरा जो महबूब उम्मती, मेरा जो उम्मती मुझ पर दिन में 50 वक्ता दुरूद पाक पढ़ेगा, जितना हम दुरूद पढ़ेंगे उतना हमें हुजूर का करम नसीब होगा, उतना हुजूर का लुत्फ नसीब होगा और उतना हमें हुजूर का कुर्ब नसीब होगा। जितनी हमारी जिंदगी समझ जाएगी उतनी
की ही हमारी आखिरत सवर जाएगी, क्योंकि हमारी कामयाबी का राज अल्लाह के महबूब को राजी करना है। जब हमारा महबूब मोहम्मद मुस्तफा राजी हो जाएगा फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम की कुर्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमाए बज़रिए दुरूद व सलाम। दुरूद भी पढ़ा करें और हुज़ूर की ज़ात पर सलाम भी भेजा करें, क्योंकि दुरूद हम पढ़ेंगे खुदा हम पर दुरूद पढ़ेगा। जब हम हुज़ूर की ज़ात पर सलाम भेजेंगे खुद हुज़ूर हमें जवाब देंगे। मेरे आके ने फरमाया मेरा कोई उम्मती वो मशरिक में हो या मगरिब में हो, जमीन के किसी कोने में वो मुझ पर सलाम भेजेगा मैं खुद मोहम्मद उसको सलाम का जवाब दूंगा। तो हुज़ूर की ज़ात पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़े। रमजान मुबारक के दो दिन गुजर गए, एक दिन बच गया, तो अल्लाह ताला इस मुबारक लम्हात में हमें कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। और हाँ।